हेलो एवरीवन, क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन एक ऐसी चीज़ जिसको लेकर कई सारे पक्ष हैं। कुछ लोग इसके फेवर में हैं, कुछ लोग इसको क्रिटिसाइज़ करते हैं। जो लोग फेवर में, उनका कहना है कि ये जो है फ्यूचर की करेंसी है और ये जो है चीज़ों को रिवोल्यूशनाइज कर देगी। इसके साथ ही बहुत लोगों का मानना है कि ये एक एसेट क्लास है, जहाँ पे जिन्होंने बिटकॉइन के कुछ पीसेज या बिटकॉइन खरीद के रखे हुए हैं, उनका ये कहना है कि जब फ्यूचर में इसके भाव बढ़ेंगे तो उनको एक अच्छा खासा मोटा मुनाफा मिलेगा। वहीं पे इसी चीज़ को देखते हुए ऐसे कई सारे आज के टाइम पे प्लेटफॉर्म्स भी उभर आए हैं। एग्जांपल के तौर पे वजीरएक्स देख लीजिए या CoinDCX देख लीजिए, जो कि अपने प्लेटफॉर्म पे बिटकॉइन या बाकी के जो दूसरे क्रिप्टो करेंसीज है, चाहे इथेरियम की बात हो जाए और बाकी के सारे, उनको एक्सचेंज या ट्रेड करने की सुविधा प्रोवाइड करवाते हैं। वहीं पे दूसरी ओर लोगों का ये कहना है कि ये एक ऐसा एसेट क्लास है जिसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, आगे चल के इसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। बहुत लोग इसको ये बोलते हैं कि इसको जो है गलत काम, जैसे कि एक्सटॉर्शन हो गया, टेररिज्म हो गया, इस सब के लिए यूज़ किया जा सकता है। वहीं पे बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि ये जो है बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है, तो उनका जो है इस पर भरोसा नहीं। लेकिन इन सब के बीच में एक ऐसी खबर निकल के आई है जिसको लेकर जो लोग ऑलरेडी भरोसा करते हैं क्रिप्टो करेंसी पे, उनका कन्विक्शन और बढ़ जाएगा, और जो लोग नहीं करते हैं शायद वो यहाँ पे एक नई पिक्चर देखने लगे। तो न्यूज़ ये है कि एक हिस्टोरिक मूव में एल सेल्वाडोर दुनिया का ऐसा पहला देश बन गया है जिसने बिटकॉइन को लीगल टेंडर घोषित कर दिया है। मतलब एल सेल्वाडोर में आप बिटकॉइन को यूज़ करके कोई भी चीज़ खरीद बेच सकते हैं। इस बोल्ड एक्सपेरिमेंट के लिए क्रेडिट जाता है सेल्वाडोरियन प्रेसिडेंट नाइब बुकेलो को, जिन्होंने यहाँ पे अनाउंस करके बताया कि बिटकॉइन जो है अब एल सेल्वाडोर में लीगल टेंडर हो चुका है। लेकिन जैसा कि उम्मीद किया जा रहा था, जब ये रोल आउट हुआ तो इसको लेकर मिक्स्ड रिएक्शन मिला। सबसे पहले तो ये कि बहुत सारे लोगों ने इसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया, जो मिसट्रस्टफुल यहाँ पे सिटीजन्स थे उन्होंने इसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया। उनका ये कहना है कि ये जो है मनी लॉन्ड्रिंग जैसे चीज़ों को बढ़ावा दे सकता है। इसके साथ ही कई सारे टेक्निकल ग्लिचेस भी देखने को मिले, जिसके वजह से जो क्रिप्टो करेंसी है उसमें आगे चल के डिप देखने को मिला। मिस्टर ब्यूकेले ने यहाँ पे ये भी कहा कि इस लॉन्च से पहले एल सेल्वाडोर ने ऑलरेडी $20 मिलियन वर्थ ऑफ 400 बिटकॉइंस को यहाँ पे परचेज कर लिया था, और इसी के चलते हुआ ये कि बिटकॉइन का जो प्राइस है वो पहली बार 52,000 के पार गया। लेकिन कुछ घंटे बाद ही यहाँ पे क्रैश देखने को मिला, जिसके चलते बिटकॉइन का प्राइस $52,000 से गिरकर $46,000 के आसपास पे ट्रेड हो रहा था। मिस्टर ब्यूकेले ने यह भी कहा कि लॉन्ग रन में ऐसे ATMs को इंस्टॉल किया जाएगा जिसकी मदद से बिटकॉइन को जो है डॉलर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है, और बिना किसी कमीशन के, जो है बिना किसी फीस के, आप उन डॉलर्स को यहाँ पे ATM से विड्रॉ भी कर पाएंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो एक्सपेरिमेंट है उसको कुछ बम्पी राइड्स भी फेस करने को मिले। वो ये कि जैसे ही अनाउंस किया गया था, उसके कुछ घंटे बाद ही जो प्रेसिडेंट है नाइब बुकेले, उन्होंने यहाँ पे ये कंप्लेन करके बताया कि उनका जो गवर्नमेंट बैग्ड वॉलेट है चीवो नाम से, वो जो है कई सारे इंटरनेट प्लेटफॉर्म जैसे कि एप्पल हो गया, हुआवे हो गया, एंड्रॉयड हो गया, उसमें प्रेजेंट नहीं है। लेकिन इसके बाद उनको एक और चैलेंज फेस करने को मिला, वो ये है कि जैसे ही वो ऐप यहाँ पे अवेलेबल हुआ, लोगों की इतनी ज़्यादा डिमांड बढ़ गई उस ऐप को लेकर कि जब लोग रजिस्टर करना चाह रहे थे तो उनको जो है कई सारे ग्लिचेस फेस करने को मिले, रजिस्टर नहीं हो रहे थे और सर्वर पे उनके बहुत ज़्यादा लोड पड़ रहा था, जिसके बाद फाइनली उनको अपनी जो कैपेसिटी है उसको बढ़ानी पड़ी। इस डिसीजन के बाद बहुत लोगों के मन में ये भी सवाल आ सकता है कि क्या सच में बिटकॉइन को यूज़ किया जा रहा है, लोग यहाँ पे उसको यूज़ कर रहे हैं खरीद बेच करने के लिए। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि एल सेल्वाडोर के एक रेजिडेंट ने यहाँ पे ट्विटर में अनाउंस करके बताया कि वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि मैकडोनल्ड्स में बिटकॉइन को एक्सेप्ट किया जाएगा, लेकिन जब वो गए तो वो बिटकॉइन एक्सेप्ट किया गया, और जिसके चलते वो एक मील भी ऑर्डर कर पाए थे। भले ही बिटकॉइन को लीगल टेंडर करना एक हिस्टोरिकल मूव हो सकता है, लेकिन एल सेल्वाडोर को कई सारे चैलेंजेस है जिसको यहाँ पे फेस करना पड़ेगा। रियलिटी कुछ और ही है। वो ये है कि हाफ ऑफ द पॉपुलेशन के पास इंटरनेट एक्सेस नहीं है। इसका मतलब ये कि इंटरनेट एक्सेस अगर नहीं है तो किस तरीके से वो जो वॉलेट्स है जिसमें वो बिटकॉइन यहाँ पे दिया जाएगा या स्टोर किया जाएगा, कैसे ये वो यूज़ कर पाएंगे? तो जो लोग ऑलरेडी गरीब हैं, जो कि यहाँ पे हालात के मारे हैं, वो जो है उनके लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि बिटकॉइन को यहाँ पे लॉन्च किया गया है या फिर ये जो है एल सेल्वाडोर की फाइनेंशियल जो कंडीशन उसको सुधारेगा। इस चीज़ के ऊपर एल सेल्वाडोर को काम करने की ज़रूरत है। एक तरफ जहाँ पे ये न्यूज़ है, दूसरी ओर ये भी खबर निकल के आ रही है कि पराग्वे भी बहुत जल्द
बिटकॉइन को जो है लीगलाइज कर सकता है, जहां पे पराग्वे के एक प्रो बिटकॉइन कांग्रेसमैन ने ये अनाउंस करके बताया है कि अगले महीने पराग्वे जो है बिटकॉइन को लीगलाइज कर सकता है। और ये बोला जा रहा है कि जितने भी दुनिया भर के क्रिप्टो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए वो पराग्वे को एक हब बनाना चाहते हैं। एक तरफ जहाँ पे एल सल्वाडोर और पराग्वे यहाँ पे बिटकॉइन को लीगल कर रहे हैं, अब बात कर लेते हैं कि इंडिया में क्या सिचुएशंस है। तो इंडियन गवर्नमेंट जो है वो अभी भी क्रिप्टो करेंसीज़ के अराउंड जितनी भी आपके गाइडलाइंस है, रेगुलेशंस है, उसको इशू करना बाकी है, उस पर काम चल रहा है। कब इशू किया जाएगा इसकी कोई डेट नहीं दी गई है। इसके साथ ही एक अच्छी मूव जो क्रिप्टो एंथुजियास्ट इन्वेस्टर्स के लिए कुछ महीने पहले ये निकल कर आई है कि सुप्रीम कोर्ट ने आरबीआई का जो एक सर्कुलर था जिसमें ये बोला गया था कि बैंक्स जो है वो कोई भी क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को कैरी आउट नहीं कर सकते, उसको खारिज कर दिया है, जिसके चलते जो क्रिप्टो करेंसी के ट्रेडर्स हैं वो यहाँ पे काफ़ी खुश थे। बाकी दोस्तों आप लोग ज़रा हमें कमेंट्स बताइए आपके यहाँ पे क्या थॉट्स, आपको लगता है कि जिस तरीके से एल सल्वाडोर ने ये कदम उठाया है बाकी के देश भी उनके फुटस्टेप्स को फॉलो करेंगे, या फिर लगता है कि नहीं कि एल सल्वाडोर की क्योंकि आर्थिक स्थिति ऐसी है जिसके वजह से ये उनके लिए एक हिस्टोरिक मूव हो सकता है, लेकिन जो डेवलप्ड नेशन से डेवलपिंग नेशन से चाहे बात हो जाए यूएस की, इंडिया की, ऑस्ट्रेलिया की, क्या वो लोग जो है यहाँ पे बिटकॉइन के फ्यूचर में लीगल टेंडर बनाएंगे? जो भी थॉट्स है कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। बाकी आई होप ये जो वीडियो है आपको पसंद आया होगा, प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई हम आपके लिए ब्रांड से रिलेटेड न्यूज़ अपडेट्स, ब्रांड स्टोरीज़, पॉडकास्ट इंटरव्यूज़ लेके आते रहते हैं। देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दो। मेरा नाम तो उदय रुमान है, मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक आप देखते रहिए नेक्स्ट बिग ब्रांड को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।